हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 11 से लेकर 20 मई तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर है आपका नरबलि प्रथा दंतेश्वरी शक्तिपीठ। देखिए, ये जो नरबलि प्रथा वाला टॉपिक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है। इस नरबलि प्रथा से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था एक न्यूज़पेपर में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए थे, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है ये टॉपिक, ठीक है। देखिए, नरबलि प्रथा दंतेश्वरी शक्तिपीठ। दंतेश्वरी शक्तिपीठ या दंतेश्वरी माता का मंदिर, ये स्थित है आपके दंतेवाड़ा जिले में डंकनी शंकरी नदी के तट पर, ठीक है। तो ये जो आपके दंतेश्वरी शक्तिपीठ है, यहाँ पे नरबलि प्रथा का प्रचलन प्राचीन बस्तर में हुआ करता था। समझिएगा, इस नरबलि प्रथा से जो जुड़ी हुई जानकारी है, ये हमें मिलती है एक पुस्तक बस्तर का इतिहास एवं संस्कृति, बस्तर का इतिहास एवं संस्कृति, जिसके लेखक है आपके लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी की पुस्तक बस्तर के इतिहास एवं संस्कृति में आपके इस दंतेवाड़ा जिले के इस दंतेश्वरी शक्तिपीठ में आपके नरबलि प्रथा के प्रचलन की जानकारी मिलती है। समझिएगा, इस पुस्तक में लिखा है 1800 ईस्वी के आसपास प्रत्येक 3 साल में, 1800 ईस्वी के आसपास प्रत्येक 3 साल में इस दंतेश्वरी माता मंदिर में नरबलि प्रथा का आयोजन किया जाता था। देखिए, ये जो 1800 ईस्वी के आसपास का जो काल है, ये आपके काकतीय राजवंश का काल था हमारे बस्तर वाले क्षेत्र में, ठीक है। देखिए, इस बुक में आपका एक डेट मेंशन किया गया है 23 सितंबर 1825। अब समझिएगा, घटनाक्रम समझिए, हमारे ये ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं आपके कैप्टन गोविन और क्रॉफर्ड, जिन्हें जानकारी मिलती है कि दंतेश्वरी माता मंदिर में आपके नरबलि प्रथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पश्चात वो इस डेट यानी 23 सितंबर 1825 में आपका गुप्तचरों को दंतेश्वरी माता मंदिर में जानकारी एकत्र करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। तो वहाँ का घटनाक्रम ऐसा रहता है दंतेश्वरी माता मंदिर में, कि जो उस समय के जो काकतीय शासक रहते हैं, तत्कालीन काकतीय शासक जो रहते हैं महिपाल देव की उपस्थिति में दंतेश्वरी माता के पूजा अनुष्ठान के पश्चात 15 मनुष्य, 10 भैंस और 600 बकरियों की बलि दे दी जाती है, ठीक है। देखिए, काकतीय शासक महिपाल देव की उपस्थिति में दंतेश्वरी माता के पूजा अनुष्ठान के पश्चात 15 मनुष्य, 10 भैंस और 600 बकरियों की बलि दे दी जाती है। इस सारे घटनाक्रम की जानकारी गुप्तचर आकर के इन ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट को देते हैं, ठीक है। जिसके पश्चात ये जो आपके कैप्टन गोविन और क्रॉफर्ड है, ये इस नरबलि प्रथा पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा देते हैं। अस्थायी प्रतिबंध, समझिएगा, भारत में नरबलि प्रथा पर जो एक कानून व्यवस्था लाया गया था ब्रिटिश शासकों के द्वारा, वो लाया गया था आपके गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय। लॉर्ड हार्डिंग जो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं 1844 में, लेकिन हम कब का समय पढ़ रहे हैं, 1825 में, ठीक है। तो इस समय तक किसी भी प्रकार के नरबलि प्रथा से संबंधित कोई भी कानून व्यवस्था हमारे भारत में नहीं थी, ठीक है। तो ये एक प्रकार का स्थायी प्रतिबंध इसमें लगाते हैं। एक जानकारी और मिलती है कि जो 15 मनुष्य जिसकी बलि दी जाती है इस नरबलि प्रथा के दौरान, ये सभी के सभी भिखारी रहते हैं, ठीक है। ऐसे भिखारी जो भीख मांगते हुए बस्तर वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, उन्हें बंदी बनाकर रख लिया जाता है, और इस 3 साल में एक बार होने वाले दंतेश्वरी माता मंदिर में जो नरबलि प्रथा का आयोजन होता है, उसमें इनकी बलि दी जाती है, ठीक है, समझिए। अब नेक्स्ट डेट है आपका 1842। इस समय जो काकतीय शासक रहते हैं, वो रहते हैं आपके भोपाल देव। इस समय भी ब्रिटिश शासक को फिर से जानकारी मिलती है कि बस्तर वाले क्षेत्र में आपकी नरबलि प्रथा का प्रचलन हो रहा है या नरबलि प्रथा का आयोजन हो रहा है। तो जो ब्रिटिश शासक है, वो मैकफर्सन को नियुक्त करते हैं इससे संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। मैकफर्सन जानकारी देते हैं कि जो यहाँ के बस्तर के जो स्थानीय आदिवासी है, वो अपने जनजातीय देवता ताड़ी पेन्नू और माटी देवी के पूजा संस्कार के दौरान या पूजा अनुष्ठान के पश्चात यहाँ पर नरबलि का आयोजन कर रहे हैं, यानी नरबलि चढ़ा रहे हैं उन्हें, ठीक है, अपने जनजातीय देवता को, ठीक। तो ये रिपोर्ट तैयार करता है आपका मैकफर्सन, जिसके पश्चात भोपाल देव से ब्रिटिश शासन इसकी जानकारी लेते हैं। तो ये जो भोपाल देव है, ये बताते हैं कि मुझे इस नरबलि प्रथा के आयोजन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, अगर ये ऐसी कोई प्रथा इस बस्तर वाले क्षेत्र में चल रही है तो मैं उसे तत्काल प्रभाव में बंद करवा दूंगा, उसे प्रतिबंधित करवा दूंगा, ठीक। अब समझिए, अब 1842 के बाद 1844 का समय आता है, जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं आपके लॉर्ड हार्डिंग, जो
भारत में आपके नरबलि प्रथा के विरुद्ध एक कानून पारित करते हैं, यानी नरबलि प्रथा को प्रतिबंधित करते हैं। ठीक, अब समझिए, अब आता है आपका ईयर 1885-86, जहां पे फिर ब्रिटिश शासक को ये जानकारी मिलती है कि हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आपका नरबलि प्रथा का आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो इस समय तक आपका कानून बन चुका है, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग 1844 में जब गवर्नर जनरल बनते हैं तब वो नरबलि प्रथा पर आपका प्रतिबंध लगा दिए रहते हैं। तो इस कारण से इस समय जो हमारे छत्तीसगढ़ के आपके काकतीय शासक रहते हैं भैरव देव, उन्हें जानकारी एकत्र करने के लिए या उनसे पूछताछ के लिए उन्हें रायपुर बुलाया जाता है, बस्तर से उन्हें रायपुर बुलाया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है। और 1885-86 इस दो साल तक इनसे इस नरबलि प्रथा से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है, उस पर एक जांच कमेटी बैठाई जाती है। ठीक है, लेकिन इस नरबलि प्रथा से संबंधित कोई भी प्रमाण नहीं मिलते आपके ब्रिटिश शासक को। ठीक है, जिसके पश्चात आपके भैरमदेव को छोड़ दिया जाता है। तो ये है आपके छत्तीसगढ़ में नरबलि प्रथा का पूरा घटनाक्रम। ठीक है, समझिएगा, छत्तीसगढ़ में नरबलि प्रथा का प्रचलन है। ये और एक इससे हमें जानकारी मिलती है हलवी भाषा के शब्द से, जो वहाँ के स्थानीय आदिवासियों के द्वारा वहाँ पे एक हलवी भाषा का जो शब्द है वो काफ़ी प्रचलन में है। एक है आपका हेले, हेले जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नरबलि, और दूसरा है आपका फुटकर, फुटकर जिसका अशाब्दिक अर्थ होता है आपका देवी को रक्तदान। ठीक है, ये वहाँ के स्थानीय आदिवासियों में हलवी भाषा में ये जो शब्द है ये काफ़ी उपयोग में आते हैं। ठीक है, हेले यानी नरबलि और फुटकर यानी देवी को रक्तदान। ठीक, तो ये एक तरीके के प्रमाण है कि उस स्थान पर आपके नरबलि का प्रचलन रहा होगा, अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले के समय पे था, लेकिन ब्रिटिश अधीक्षकों को केवल एक ही प्रमाण मिलता है 23 सितंबर 1825 को, लेकिन उस समय किसी भी प्रकार की कानूनी व्यवस्था नहीं रहती। ठीक, लेकिन जब कानूनी व्यवस्था आती है तो उस समय कोई भी प्रमाण उन्हें नहीं मिलता। ठीक, अब समझिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार जिसे सम्मानित किया गया है आपका कान्हा भैरा ग्राम पंचायत, कान्हा भैरा ग्राम पंचायत जो कि कबीरधाम जिले के अंतर्गत आता है। देखिए, ग्राम पंचायत जिसका मेन उद्देश्य रहता है ग्रामीण व्यवस्था बनाए रखना, यानी गाँव में सड़कों का निर्माण करना, पेयजल आपूर्ति करना, मुक्तिधाम का निर्माण करना, यानी गाँव से संबंधित जो उनकी बेसिक नीड्स रहते हैं उन्हें फुलफिल करना। ठीक है, लेकिन जो आपका बाल मित्र जो ग्राम पंचायत है ये बच्चों को टारगेट किया जाता है, इसमें बच्चों को लक्षित किया जाता है, यानी बच्चों का टीकाकरण करवाना, उनका नियमित स्वास्थ्य, उनका परीक्षण करवाना। ठीक है, उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से उन तक पौष्टिक आहार पहुंचाना, या फिर स्कूलों के माध्यम से मध्याह्न भोजन उन्हें उपलब्ध कराना, बालिकाओं में सैनिटरी नैपकिन वितरित करना। तो ये जो सारी की सारी जो आपके बच्चों को टारगेट करके जो कार्य किए जाते हैं वो बाल मित्र ग्राम पंचायत कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी कार्य को देखते हुए राष्ट्रीय बाल मित्र पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है हमारे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कान्हा भैरा ग्राम पंचायत को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एपीएल कार्डधारी की नमक पात्रता। देखिए, एपीएल कार्डधारी एक होता है, बीपीएल कार्डधारी एक होता है, एपीएल कार्डधारी, बीपीएल कार्डधारी यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन और एपीएल कार्डधारी यानी अबव द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले बीपीएल कहलाते हैं, गरीबी रेखा के ऊपर जीवन व्यापन करने वाले आपके एपीएल कार्डधारी या सामान्य वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, तो एपीएल राशन कार्डधारी या सामान्य वर्ग, आप सभी को मालूम है कि अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान एक अफवाह उड़ी थी हमारे छत्तीसगढ़ में कि नमक का स्टॉक खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसी समय जो हमारा प्रदेश सरकार के जो राज्य सरकार है उनके कैबिनेट के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि ये जो एपीएल राशन कार्डधारी है उन्हें 1 जून 2020 से 10 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो आपका नमक, 2 किलो नमक प्रति कार्ड प्रति माह दिया जाएगा। देखिए, जो आपके बाकी राशन कार्डधारी है यानी प्राथमिकता परिवार, अंत्योदय, निराश्रित, विकलांग, ये जो राशन कार्डधारी है उन्हें हमारे छत्तीसगढ़ में अमृत नमक का पैकेट निःशुल्क मिलता है। ठीक है, जो बाकी जो बीपीएल राशन कार्डधारी है, अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, आपके जो विकलांग है, तो उनके जो आपके बीपीएल राशन कार्डधारी है उन्हें 1 किलो अमृत नमक या आयोडीन वाला जो नमक उन्हें निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है सार्वजनिक
सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकानों के माध्यम से, ठीक है। लेकिन ये जो आपके जो एपीएल राशन कार्डधारी है इन्हें नमक दिए जाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इन्हें भी नमक मिलेगा। कब से? 1 जून 2020 से 10 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा। एक राशन कार्ड के ऊपर मैक्सिमम 2 किलो आपका नमक मिलेगा और 10 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति माह, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सप्त मातृका प्रतिमा। सप्त मातृका प्रतिमा जो वर्ष 1920 में मिला था, समझिएगा आज से 100 साल पहले मिला था एक प्रतिमा। कहाँ मिला था? देखिए, मरी नदी में। मरी नदी जो कि बहती है आपके बीजापुर जिले में, बीजापुर जिले के मरी नदी में आपके रेत के नीचे दबी हुई मिली थी आपकी सप्त मातृका प्रतिमा, समझिएगा। मरी नदी कोतुलनार ग्राम भैरमगढ़ बीजापुर, ठीक है। ये जो आपका सप्त मातृका की जो प्रतिमा है ये बीजापुर जिले में है, ठीक है, जहाँ पर मरी नदी के रेत में दबी हुई मिली थी आपकी सप्त मातृका की प्रतिमा। और इस प्रतिमा के साथ साथ 16 अन्य मूर्तियाँ भी मिली थी। इन 16 अन्य मूर्तियों में दुर्गा माता की प्रतिमा थी, गणेश, कार्तिकीय, बेताल, योद्धा, शिवलिंग, ऐसे अन्य छोटे छोटे और प्रतिमाएँ भी मिले थे, ठीक है। देखिए, ये जो आपके प्रतिमा है, इन प्रतिमा का निर्माण ऐसा माना जाता है कि छिंदक नागवंश के समय हुआ था, 12वीं शताब्दी के आसपास के छिंदक नागवंश के समय की इस सप्त मातृका की जो प्रतिमा है मानी जा रही है, समझिए। देखिए, ये मिला था आपके 1920 में, लेकिन इसका संरक्षण नहीं किया गया। जो आपके छत्तीसगढ़ का जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा इसे किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। आज से 100 साल पहले यह प्रतिमा मिली तो वहां के जो स्थानीय बुजुर्ग है तो इसी नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर बना करके इस देवी को स्थापित कर दिया गया है। लेकिन इसका पुरातत्व महत्व देखते हुए ग्रामीणों के द्वारा ये मांग काफी समय से उठाई जा रही है कि इसे भी पूरा तात्विक जो संरक्षण है प्रदान किया जाए, ठीक है। तो ये जो है ये प्रतिमा छिंदक नागवंशीय कालीन है, 12वीं शताब्दी के आसपास है। सेम प्रतिमा मिली है आपके इंजराम ग्राम सुकमा में, ठीक है, जो कि आपकी सप्त मातृका की ही प्रतिमा है, छिंदक नागवंशीय कालीन है, ठीक है, लेकिन वो क्षतिग्रस्त अवस्था में है, टूटी फूटी प्रतिमा है वो, ठीक, समझिएगा। ये जो आपका सप्त मातृका की जो प्रतिमा है इसे सप्त तोरण मातृका के भी नाम से जाना जाता है, सत बहिनिया माता के नाम से भी जाना जाता है, सत रूपा प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम हैं। तो ये जो आपके सप्त मातृका, सप्त मातृका मतलब सात माताओं की प्रतिमा। तो देखिए, इस सात माताओं में ब्रह्माणी, वैष्णवी, इंद्राणी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही और चामुंडा, इन सात माताओं की प्रतिमा है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कचरा मुक्त 5 स्टार शहर या गार्बेज फ्री 5 स्टार सिटी, ठीक है। कचरा मुक्त, देखिए जो हमारा छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, उसे कचरा मुक्त शहरों की सूची में 5 स्टार मिला है, यानी जो रेटिंग मिलता है। देखिए, रेटिंग अलग अलग कैटेगरी का था, 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार। तो जो 7 स्टार का रेटिंग है वो पूरे भारत में किसी शहर को नहीं मिला। भारत का कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसे 7 स्टार का रेटिंग मिला है, ठीक है। सभी जो रेटिंग मिलना स्टार्ट हुआ है वो 5 स्टार से मिलना चालू हुआ है, ठीक है। तो 5 स्टार की रेटिंग में हमारा छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, गुजरात का राजकोट है, मध्य प्रदेश का इंदौर है, कर्नाटक का मैसूर है और महाराष्ट्र का नवी मुंबई, ठीक। एक और है यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, गुजरात में आपका राजकोट है और राजकोट के साथ है आपका सूरत, ठीक है, राजकोट के साथ है आपका सूरत। तो इन 6 शहरों को आपका 5 स्टार की रेटिंग मिली है, ठीक। तो देखिए, कौन कौन से है? छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का सूरत और राजकोट, मध्य प्रदेश का इंदौर, कर्नाटक का मैसूर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई। इन 6 शहरों को आपका 5 स्टार की रेटिंग मिली है, किसमें? कूड़ा मुक्त शहर की में, ठीक है। 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार। 3 स्टार में और है, 3 स्टार में हमारा छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर को भी शामिल किया गया है, और भी कई शहर शामिल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5 स्टार में छत्तीसगढ़ का एक शहर शामिल है, कौन सा है? आपका अंबिकापुर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वन स्टेट वन गेम, जिसमें 14 खेलों को शामिल किया गया है, समझिएगा। वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ी तैयार किए जाने के उद्देश्य से आपका वन स्टेट वन गेम
प्रारंभ किया गया है। समझिएगा, इस वन स्टेट वन गेम में आपके टोटल 14 खेलों को शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है? वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को तैयार करना, ठीक है, उस खेल ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना, ठीक, समझिए। तो ये जो है इस वन स्टेट वन गेम में हमारे जो छत्तीसगढ़ को मिला है आपका आर्चरी, आर्चरी यानी कि तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ इस आर्चरी जो खेल मिला है वो मिला है छत्तीसगढ़, झारखंड, लद्दाख, राजस्थान और सिक्किम, ठीक है। इन पांचों को आपका आर्चरी, आर्चरी खेल से संबंधित जो बेसिक इस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और इस आर्चरी खेल के खिलाड़ियों को तैयार करने की जवाबदारी इन पांचों को सौंपी गई है, जिसमें से चार राज्य है छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और सिक्किम, और एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका लद्दाख, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कोयला। कोयला देखिए, समझिएगा, अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार द्वारा जो कोयले के खदानों के उत्खनन के लिए कमर्शियल उत्खनन का इजाज़त दे दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उस समय कुछ आंकड़े सामने आए थे, उसे समझिएगा। हमारे प्रदेश में वर्तमान में 60 से अधिक कोयला की खदानें मौजूद है, जिसमें 54 खदानों की जो उत्खनन है वो सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा किया जाता है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनी है उनके द्वारा 54 खदानों में उत्खनन किया जाता है। बाकी के जो बचे हुए खदान है उसका जो उत्खनन है वो निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, समझिएगा। भंडारण, कोयले के भंडारण के मामले में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर है झारखंड, दूसरे नंबर पर है उड़ीसा और तीसरे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ कोल डिपॉजिट या कोयले के भंडारण में, ठीक। नेक्स्ट समझिएगा उत्पादन में। उत्पादन को समझने से पहले थोड़ा समझिएगा, मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसमें बताया गया है कि कोयले के उत्पादन यानी प्रोडक्शन में हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है, लेकिन ये डाटा 2019 का है। 10 फरवरी 2020 को कोल इंडिया का एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2019-20 में कोयले के प्रोडक्शन यानी कोयले के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा, ठीक है। ये जो कोयले का जो उत्पादन या जो प्रोडक्शन है ये राज्य के हिसाब से नहीं होता, ये जो कोयले का जो उत्खनन करती है कंपनी उसके आधार पर होता है, समझिएगा। कोयले के प्रोडक्शन या उत्पादन के आधार पर छत्तीसगढ़ फर्स्ट स्थान पर है, छत्तीसगढ़ का SECL यानी साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड, ठीक है। सेकेंड नंबर पर है आपका उड़ीसा MCL, थर्ड नंबर पर है आपका MPUP यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में उत्खनन करने वाली कंपनी NCL, और फोर्थ नंबर पर है आपका झारखंड जो कि है आपका CCL, ठीक है। तो ये इस प्रोडक्शन में या कोयले के उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ फर्स्ट पोजीशन पर रहा, ठीक। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट देखिए नाम परिवर्तन। नाम परिवर्तन, नालंदा परिसर, नालंदा परिसर रायपुर में NIT के बाजू में आपका स्थित है सेंट्रल लाइब्रेरी, और उसी के बाजू में स्थित है एक वाइट कलर का बिल्डिंग आपका नालंदा परिसर, जिसका अभी हाल फिलहाल में नाम परिवर्तित कर दिया गया है। उसका नाम अब रखा गया है आपका डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे परिसर। नालंदा परिसर का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे परिसर। जो डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे है ये आपके स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी है, और साथ साथ आपके पद्मश्री से सम्मानित भी थे, ठीक है, जिनका अभी इसी साल फरवरी में इनका निधन हुआ था। तो इन्हीं के नाम पर इस नालंदा परिसर का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है क्या, समझिए। 21 मई 2020 यानी आज ही से, ये जो राजीव गांधी की शहादत दिवस है, ये जो आपका 21 मई है ये राजीव गांधी जी का शहादत दिवस या पुण्यतिथि है, तो इस 21 मई से आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की जा रही है। ये है क्या, खरीफ वर्ष 2019 जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई थी तो उन्होंने घोषणा किया था कि किसानों से जो धान की खरीदी वो 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी, लेकिन हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के थोड़ा सा टकराव चल रहा है, ठीक है। तो जो ये धान की खरीदी है हमारे प्रदेश में इस खरीफ वर्ष 2019 में सामान्य धान की खरीदी 1815 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, जबकि ग्रेड ए धान की खरीदी आपका 1835 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, यानी
केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। ठीक है, तो जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो किसानों से वादा किया था कि वो 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे, तो उसी को पूरा करने के लिए लाया गया है आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, तो समझिएगा 2500 रुपये प्रति क्विंटल, जिसमें जो किसानों किसान है उनसे 1800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर लिया गया है, यानी उन्हें 1815 रुपये दे दिया गया है, लेकिन जो बचा हुआ आपका 685 रुपये है। ठीक है, जो अतिरिक्त 685 रुपये है उसे दिए जाने के लिए इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, इसमें क्या होगा, चार किस्तों में इस 19 लाख किसान, यानी इस खरीफ वर्ष 2019 में लगभग 19 लाख किसानों ने अपना पंजीकरण कराया था। ठीक है, तो इन 19 लाख किसानों के खाता में आपका 685 रुपये चार किस्तों में जमा की जाएगी। ठीक है, तो इसमें लगभग जो राज्य सरकार है उसे 5700 करोड़ रुपए का आपका व्यय हो रहा है, यानी उन्होंने इतना 5700 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी किसानों को। ठीक, देखिए इसमें क्या है, इसमें एक और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बात कही है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा। देखिए ये भूमिहीन कृषि मजदूर क्या है, जो आपके कृषक होते हैं वो जिनकी भूमि होती है, ठीक है, जिनकी भूमि होती है वो अपना पंजीकरण कराते हैं और वो अपनी उनकी कितनी भूमि है, कितनी एकड़ भूमि है उनके पास, उसे वो अपने पंजीकरण में दर्शाते हैं। लेकिन भूमिहीन परिवार या भूमिहीन कृषि मजदूर ऐसे परिवार होते हैं जो दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं। समझिएगा, आप हमारे छत्तीसगढ़ में एक वर्ड चलता है अधिया, यानी दूसरे की जो आपकी कृषि भूमि है वो किसी और की रहती है, उस पर दूसरा जो कृषक है वो उस पर खेती किसानी करके उस पर फसल उगाएगा और उसके बदले में जो कुल उसकी उपज होगी उसका कुछ हिस्सा ये कृषक मजदूर रखता है, यानी भूमि दूसरे की और उस पर कार्य कोई दूसरा किसान कर रहा है। तो ऐसे किसानों को भी इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो इस भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या कितनी है, ठीक है, उन्हें किस प्रकार से लाभ दिया जाएगा, उसके लिए एक आयोग बनाया गया है आरपी मंडल की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ दिए जाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है आपके छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।